आपके जीवन में तो राधा भी थी और मीरा भी थी, लेकिन क्या कभी आपने राधा से कहा था कि जाके मीरा के दिल का हाल जानकर आओ? तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? आप हमें हमेशा परेशानी में डाल देते हैं। रिमझिम, रिमझिम ये लो फोन। किसका है? मेरा है बाबा, और किसका है? रिमझिम मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने सिमरन से उसके दिल का हाल जानो। आप कितने बुद्धू हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि किसी लड़की के दिल का हाल फोन पर नहीं जाना चाहता। हाँ, और वैसे भी ये काम हम नहीं करेंगे, आप करेंगे। दिस इज नॉट फेयर रिमझिम, दिस इज रियली नॉट फेयर। तुमने सुबह खुद कहा था कि तुम मेरी इस काम में मदद करोगी, अब तुम साफ मुकर रही हो। हम नहीं मुकर रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन ये काम तो आप ही को करना होगा। फिर तो हो गया ये काम। रिमझिम तुम अच्छी तरह जानती हो कि सिमरन के सामने जाते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। वो तो हम सिखा देंगे, लेकिन बोलना तो आप ही को पड़ेगा। वो कैसे? आप बताइए। अच्छा तो ठीक है, मैं सिमरन के सामने जाके उससे पूछ लूंगा कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। अगर उसने हाँ कहा तो मैं भी हाँ कह दूंगा, लेकिन अगर उसने ना कहा तो क्या? आप कितने बेवकूफ हैं? क्या कभी कोई लड़की अपने दिल की बात ऐसे ही कह देगी? पहले आपको उसे बोलना होगा। यानी ये कि आपको उससे जाकर कहना होगा कि आप उससे प्यार करते हैं। सिमरन से? नहीं, हमसे। रिमझिम प्लीज मजाक मत करो। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बताओ ना मुझे कि मैं सिमरन से आई लव यू कैसे कहूं। आप एक काम करिए, आप उसके लिए फूल ले जाइए। फूल? हर लड़की को ना फूल जरूर पसंद आते हैं। यस, फूल क्या रिमझिम, मैं तो फूलों का पूरा गुलदस्ता ले जाऊंगा, और अगर उससे भी बात नहीं बनी ना तो पूरा का पूरा रोज गार्डन ले जाऊंगा। मम्मी पापा की कोई खबर? कोई फोन आया था उनका? फोन तो आता रहता है उनका। मम्मा काफी दिन हो गए, कब आ रहे हैं पापा? बेटा कह रहे थे कुछ और वक्त लगेगा। आओ प्रतीक। मैडम। हाँ मिस्टर मल्होत्रा आ गए हैं। हाँ उन्हें अंदर ले आओ, यहीं ले आओ। ओके मैम। मिस्टर मल्होत्रा? हाँ बेटा, मिस्टर मल्होत्रा हमारे पुराने जानने वाले में से। दरअसल उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैंने उन्हें डिनर पे बुला लिया। नमस्ते जी नैना जी। मल्होत्रा साहब ये हमारी बेटी है और ये हमारे दामाद। हेलो, इनसे तो मैं मिल चुका हूँ। आप यहाँ कैसे? बेटा यही तो है मिस्टर मल्होत्रा जिनके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानते हो? वो जी दरअसल इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके लोन के सिलसिले में हम पहले मिल चुके हैं। हाँ तो प्रतीक आपका लोन। एक मिनट मिस्टर मल्होत्रा, आप लोग अपनी बिजनेस की बातें ऑफिस में करें तो बेहतर रहेगा, वैसे भी हमें इन सब में दिलचस्पी नहीं है। मैं भी वही कह रहा था, काम की बातें ऑफिस में हो तो बेहतर हो। यस इट्स फाइन। डिनर शुरू करें? जी लीजिए।